गुड मॉर्निंग, ये है मॉर्निंग का टाइम। मैं हूँ किचन में। मैं यहाँ पे मैंने ये नाश्ता बनाया था। नाश्ते में आज हम लोगों ने बनाया दलिया। बच्चों को मैंने दे दिया था पहले, ट्यूशन चले गए थे दोनों खा के। और मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ। मैंने कढ़ाई मतलब ऑयल लिया, थोड़ा सा उसमें हींग और अजवाइन ऐड किया है, ऑनियन, ग्रीन चिल्ली, जिंजर, मैं इन सबको ऐड कर दूँगी। हल्का सा हमको ये पका लेना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही पकाना है। एक्चुअली मैं यहाँ पर भिंडी बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल है भिंडी और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। लंच बॉक्स के लिए, बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ। तो इसको मतलब अच्छे से पका लेना है, ज़्यादा कलर नहीं देना है इसमें। और जो भिंडी कट करके रखा है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा एक मिक्स दे देना और कुछ मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, मैंने थोड़े ही मसाले इसमें ऐड किए। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढक करके स्लो गैस पे इसको पकाना है। और ये भिंडी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, मिनटों में बन के रेडी हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मैंने ये ढक दिया था, स्लो गैस पे पका रही हूँ मैं इसको। एक बार बीच में चला लूँगी और फिर से ढक करके इसको पका लेना है। साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पपाया कट कर लिया है, इसको भी थोड़ा खा लेंगे। और यहाँ पे भिंडी ऑलमोस्ट पक के रेडी हो गया, मैं इसको बंद कर दूंगी। और यहाँ पे साथ साथ बना रही हूँ मैं चपाती। एक्चुअली बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो लंच लेके भी जाएंगे और करके भी जाएंगे घर से। और उसके बाद हम लोग गए थे शाम को डी मार्ट से कुछ सामान लेने के लिए, जो भी मतलब किचन का हर महीने का होता है। एक दो सामान कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि महीने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सब सामान ले लूँगी। और अब की बार मैगी पास्ता तो बिल्कुल ही ख़त्म था, कम से कम 10 दिन से था ही नहीं घर में। तो मैंने मैगी का पास्ता का बड़ा बड़ा पैकेट लिया है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे का आगे कुछ दिन का छुट्टी भी है गणपति का, इसलिए बनेगा ही एक दो बार। तो ये सब यहाँ पे मैंने ले लिया। किचन का मैंने यहाँ पे एक दो सामान और लिया है, मैं वो आपको घर पे जाके दिखाऊंगी। मैंने यहाँ से दूध और ये बटर लिया था, अमूल बटर, वो सब ले लिया है। देखिए हम पूरे 4 बैगें भर के आ चुके हैं। बच्चों का टी शर्ट भी मैंने लिया था एक एक, मैं सब आपको बाद में दिखाऊँगी। ये देखिए 4 बैग है जो कि अभी मैंने बंद ही रखे हैं। थोड़ा मैं इसको अभी ही अरेंज करके रख दूँगी और कुछ सामान को मैं साइड में रख दूँगी। ये है जैसे कि मैंने पास्ता, मैगी, बॉर्नविटा लेके आई थी, जैम, अचार है ये, और वो भी ऑयल वगैरह सब जो भी हर महीने का किचन का होता है, बहुत सारा सामान था। देखिए कुछ मैंने नीचे ही ऐसे 4 बैग खोल लिए थे, इस तरीके से डाल के रखा है। सारा मैं जगह पर अरेंज कर दूँगी। इसमें बिस्किट है और यहाँ पे है ये शाम का टाइम। मैंने यहाँ पे कैरेट, कैप्सिकम, पटेटो और इसके साथ थोड़ा सा चना मैंने सुबह में ही भिगो के रख दिया था। ये सब मैंने वेजेस कट कर लिया, बॉश कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा ऑनियन, रेड चिल्ली और वो ये सब मैंने सब रेडी कर लिया। एक्चुअली मैं यहाँ पे पुलाव बना रही हूँ और ये मिनटों में बन के रेडी हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इस ऑयल के अंदर मैंने जीरा और गार्लिक ऐड किया, थोड़ा सा जिंजर, ऑनियन, ग्रीन चिल्ली, मैं सब साथ में ही ऐड कर दूँगी। हल्का सा इनको पका लेना है और ये पुलाव मिनटों में बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसके अंदर हमने ढेर सारी सब्जियां ऐड की हैं। आप चाहो तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हैं। ऑनियन यहाँ पे हो चुका है, अच्छे से मैंने पका लिया था। टमेटो ऐड किया, कुछ मसाले मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, गर्म मसाला और स्वाद के अनुसार नमक, आमचूर है, धनिया पाउडर, मैंने ढेर सारा इसमें मसाला ऐड किया है। इनको अच्छे से पका लेना है और ये मसाला स्लो गैस पे पका के रेडी करना है। अच्छे से पका लेना वरना फिर कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा, फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मसाले यहाँ पे पक करके रेडी हो गए। मैं एक कटा हुआ सारा सब्जी इसमें ऐड कर दूँगी और इसको एक मिक्स दे देना है हल्का सा, और ढक करके स्लो गैस पे 1-2 मिनट के लिए सब्जियों को पका लेना। उसके बाद इसमें राइस ऐड करेंगे। राइस मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था तो उसकी वजह से बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सब्जी हाफ पक चुकी है, मैंने स्लो गैस पे पकाया है इनको। अभी मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी
और ये कढ़ाई के अंदर बहुत ही अच्छा बनता, बिल्कुल ही खिला खिला बनता, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैंने ये बनाया था शाम को। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ा मैं अभी पानी ऐड करूँगी। पानी हमें राइस का डबल ऐड करना है। जैसे आपने एक गिलास राइस लिया तो दो गिलास यहाँ पे पानी ऐड करना, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और मैं ऊपर से एक चम्मच इसमें घी ऐड कर दूंगी, उसको भी अच्छे से मिक्स करके और ढक करके इसको पका लेना है। पहले तो इसको फास्ट गैस पे पकाना है, उसके बाद स्लो करके इसको पका लेना है, और ये बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे पुलाव बनके रेडी हो चुका है। लुक एट दिस, कितना अच्छा बना है ना। मैंने इसमें ढेर सारा सब्जियाँ ऐड किया था, आप चाहो तो इसमें फ्लावर, कैप्सिकम, मतलब और सारा ऐड कर सकते हो जो आपके पास हो। मेरे पास जो था मैंने वो सब इसमें ऐड कर दिया, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। हेलो, और कल मतलब जैसे मैंने वीडियो का एंड नहीं किया था, एक्चुअली मैं एक दो सामान और लाई थी, मुझे आपको वो दिखाना था। एक तो मैं आप मतलब अपने लिए सूज लेके आई हूँ, मुझे वो भी आपको दिखाना है। और मैंने किचन के लिए कुछ ख़रीदा है, मैंने ये लिया है, एक्चुअली पहले वाला था मेरा टूट गया, मैं एक सेकेंड आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए पहले वाला मेरा यहाँ से टूट गया है, इसलिए मैं ये वाला अभी लेके आई हूँ, और ये नया ही है, मतलब मैंने खोला नहीं है अभी। एक बार मैं इसको चेक करके देखती हूँ। अभी किचन में कुछ भी काम होगा मैं इसी से करूँगी, और देखती हूँ ये कैसा निकलता है, तभी मैं यूज करूँगी इसको, तभी इसका पता चलेगा। और इसके साथ ये भी आया है, तो एक तो ये हो गया, ये मैं लेके आई थी, और मैं एक और लेके आई हूँ। मुझे ये बाउल्स चाहिए थे, एक्चुअली काफ़ी टाइम से मुझे ये चाहिए थे, बट हम लोगों ने अभी लिए। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ भी जैसे बनाते हैं ना ये, तो मतलब जैसे इसमें दो आए हैं, एक ये थोड़ा बड़ा है, एक छोटा इससे छोटा है। तो जिस कुछ भी मिक्स करना रहता है तो मैं अभी मतलब इसके अंदर करूँगी। मैं एक बार आपको पास से दिखा देती हूँ। तो जी ये हो गया किचन का सामान, है जो मैंने आपको दिखाया। मैं एक मतलब एक चीज़ और लाई हूँ, मैं अपने लिए सूज लाई हूँ, वो भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने अपने लिए ये सूज लिए हैं, और मतलब देखती हूँ पहन के कैसे निकलते हैं ये। इस कलर के मैंने सूज लिए हैं, काफ़ी अच्छे हैं वैसे तो, मैंने पहन के देखा है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैंने जो दो रेसिपी आपके साथ शेयर की हैं, एक तो पुलाव जो कि मिनटों में बनके रेडी हो जाता है, आप उसमें ढेर सारी सब्जियां ऐड कर सकते हो, और कभी भी आपके पास कम टाइम है तो उसे मिनटों में बना के आप रेडी कर सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, काफ़ी हेल्दी है, बिकॉज उसमें इतना सारा वेजीज हमने ऐड किया है, और उसे आप रायते के साथ खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और भिंडी का रेसिपी भी बहुत ही सिंपल है, बच्चों के लिए आप उन्हें लंच बॉक्स में बना सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो अब आ चुके हैं हम इस वीडियो के एंड पे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।